नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पांचाल। हमारे यूट्यूब चैनल ड्रैगो स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लीजिए, ताकि हर नई गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन और अपडेट जो आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है कि आरपीएफ में जो कॉन्स्टेबल की भर्ती आई है, सिर्फ योग्यता जो उनके लिए सिर्फ 10वीं पास रखी गई है। तो ठीक है, कॉन्स्टेबल एंसिलरी की जो ये पोस्ट है 2019 की सबसे पहली भर्ती है आरपीएफ की। तो 1 जनवरी से जो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, 1 जनवरी 2019 से 30 जनवरी 2019 तक। और जो उसका सीबीटी एग्जाम जो होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा, वो फरवरी या फिर मार्च में जो आपका हो जाएगा। तो जल्दी आपका जो एग्जाम भी वो हो जाएगा। मेल और फीमेल दोनों ही इसके लिए अप्लाई जो कर सकते हैं, पुरुष और महिलाएं। तो यहाँ पर जो बड़ी बातें हैं वो आपको जो ध्यान रखने की है, वो तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम जो ऑफलाइन जो फॉर्म है वो नहीं भरा जाएगा। तो इसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्म जब वो अप्लाई करें, एक ही फॉर्म जब वो भरें, दो मत भरें भरिएगा, क्योंकि दोनों ही इसके लिए कैंसिल आपके हो जाएंगे। और जो जोन वाइज जब अप्लाई करेंगे तो सिर्फ एक ही जोन में अप्लाई करें, दो या दो से ज़्यादा ग्रुप जिसमें जोन में जो आप अप्लाई मत कीजिएगा, तो क्योंकि सभी फॉर्म आपके कैंसिल हो जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जो सिर्फ अब आपकी खुद की जो ईमेल आईडी है या फिर आपका मोबाइल नंबर है, वही इसमें जो आप दीजिएगा ऑनलाइन फॉर्म भरते टाइम, किसी और की मत दीजिएगा, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो जो पोस्ट है इसमें कैरियर वाटर कैरियर सफाई वाला, वाशरमैन, बार्बर या फिर गार्डनर की जो इसमें पोस्ट है, तो 21,700 का जो आपका इसमें सैलरी स्केल वो रहेगा इन सभी पोस्ट के लिए। और जो आपकी फिर आधार अलाउंसेज जो इसमें रह जाएंगे, उसके बाद जो उनको मिलाकर के जो आपका 23-24 हज़ार रुपये सैलरी आपकी स्टार्टिंग में मिल जाएगी आपको। और जो टेलर की या फिर कोबलर यानी कि मोची की जो पोस्ट है, उसमें उनके लिए जो है 19,900 का पे स्केल रहेगा। तो जो एक्स्ट्रा अलाउंसेज को मिलाकर जो आपका 22,000 के करीब जो आपकी सैलरी स्टार्टिंग में जो मिल जाएगी। जो आपकी एज की बात करें तो 1 जनवरी 2019 को आपकी एज जो है 18 से 25 साल के बीच में जो वो होनी चाहिए। और जो SC ST के जो छूट जो कैंडिडेट हैं, उनको जो छूट रहेगी मैक्सिमम एज में, जो ज़्यादा से ज़्यादा एज आपकी, उनमें जो है 5 साल की एक्स्ट्रा आपको छूट मिल जाएगी। और जो OBC के कैंडिडेट हैं नॉन क्रीमी लेयर के, उनको जो है 3 साल की मैक्सिमम एज में छूट रहेगी। और जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी एज में जो छूट मिल जाएगी, वो आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। और जो विडो हैं तो उनको भी यहाँ पर जो है, विधवा जो है उनको भी यहाँ पर छूट जो मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप जो वो देख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या कुछ रहेगा, तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो फिजिकल मेजरमेंट है वो किस तरह से होना चाहिए, यानी कि आपकी हाइट वगैरह कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितनी होनी चाहिए, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, वो मैंने आपको बताया था कि फरवरी मार्च में जो आपका वो हो जाएगा CBT टेस्ट, जो यानी कि जो रिटर्न टेस्ट आप बोल सकते हैं। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो आपका वो होगा, फिजिकल जो होगा उसके बाद, और उसके बाद जो आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो होगा, आप यानी कि आपकी जो हाइट चेस्ट वगैरह जो नापी जाएगी। और सबसे लास्ट में जो आपका ट्रे टेस्ट होगा, और बाद में जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो मेडिकल है वो हो जाएगा। तो अब जो वैकेंसीज है वो आप यहाँ पर देखिए कि कितनी वैकेंसीज आपकी टोटल वैकेंसीज है। तो देखिए सबसे पहले वैकेंसीज मैं आपको दिखा दूँगी, 1596 टोटल वैकेंसीज जो आपकी ये रहेंगी। तो अब देखिए अलग अलग वैकेंसीज भी बांट कर यहाँ पर जो दिखाई गई हैं, तो देखिए यहाँ पर ग्रुप वाइज जो वैकेंसीज ABC, तो आपका जो भी जोन पड़ता है उसके हिसाब से जो अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो वाटर कैरियर की जो कॉन्स्टेबल वाटर कैरियर की जो वैकेंसीज है वो आप यहाँ पर जो वो देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर कितनी जोन वाइज वैकेंसीज आपकी जो दिखाई गई हैं। कॉन्स्टेबल की वैकेंसीज है सफाई वाला, फिर वाशरमैन, बार्बर, इस तरह से अलग अलग जो वैकेंसीज आप यहाँ पर जो वो देख सकते हैं। कॉन्स्टेबल, फिर मेल माली जो है, फिर टेलर, और लास्ट में जो कोबलर यानी कि जो मोची होता है उसकी पोस्ट भी है इसमें। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर टोटल वैकेंसीज इस तरह से हैं आपकी, तो 1596 टोटल वैकेंसीज मैंने आपको अभी जो बताया ही था। और इसकी PDF की फाइल आप लेने के लिए जो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जो वो जुड़ सकते हैं, वहाँ पर जो आपकी इसकी PDF की फाइल मिल जाएगी। और आप हर पोस्ट की जो है अलग अलग ग्रुप वाइज जो पोस्ट जो आप इसमें जो है एक बार देख लीजिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो वैकेंसी के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ 10वीं पास जो आपकी रखी गई है। तो फीस देखिए आप कितनी इसके लिए पे करेंगे, तो 500 रुपये फीस आपको पे करने पड़ेगी जो आपके जनरल और OBC के जो कैंडिडेट हैं। और एग्जाम के बाद में जो आपके CBT का जो एग्जाम होगा उसके बाद 400 रुपये आपकी फीस जो है वापस आ जाएगी उसी अकाउंट में, ठीक है। तो आपका अकाउंट नंबर भी जो है इसमें लिया जाएगा। जो 250 रुपये आपकी फीस रहेगी SC और ST के लिए, तो उनकी भी जो फीस है पूरी की पूरी फीस वापस जो आ जाएगी। तो ठीक है, अपना जो अकाउंट नंबर सही से जो आप जो जरूर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो फीस, आप ऑनलाइन बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से, या फिर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी, या फिर ऑनलाइन पेमेंट, ऑफलाइन जो पेमेंट वो भी आप कर सकते हैं। SBI का आप चलान जो है वो कटवा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो फिजिकल मेजरमेंट आपका क्या कुछ मांगा गया, तो जनरल और OBC के जो कैंडिडेट है उनकी हाइट जो 165 होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स की, और फीमेल की 157 होनी चाहिए। और जो चेस्ट है वो मेल कैंडिडेट्स की 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए फुलाव के बाद। SC ST की जो कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट जो है उनकी 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स की। और जो चेस्ट है मेल कैंडिडेट की वो होनी चाहिए 76.2 बिना फुलाव के, और फुलाव के बाद 81.2 होनी चाहिए।
जो गोरखावली है या फिर गोरखा मराठा या फिर डोगराज कुमाऊनी जो या फिर अदर जो कैंडिडेट जो रह जाते हैं उनकी जो हाइट जो होनी चाहिए 163 सेंटीमीटर मेल की और फीमेल की 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो चेस्ट है वो होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की 80 सेंटीमीटर और जो 85 सेंटीमीटर जो वो होनी चाहिए इनकी जो फुलाव के बाद में। तो दोस्तों ये थी इनके लिए जो फिजिकल मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट। दोस्तों इसके जो फिजिकल आपका कैसे होगा वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपका फिजिकल जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो होना है, तो उसका जो सिलेबस है वो भी मैं आपको अगली वीडियो में जो वो दे दूंगा और जो फिजिकल है वो कैसा होना वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ये थी आपके लिए जो शुरुआती जो जानकारियां जो कि आपको फॉर्म भरते टाइम जो आपको जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस पीडीएफ की फाइल को लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा जिसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेट के लिए जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और घंटी निशान को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।